हमारा देश धार्मिक देश, हमारा देश वो देश जो कि अन्य देशों से कई कारणों से अलग माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इस भारत जो कि अनोखा भारत है उससे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। होशंगाबाद में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है माघ पूर्णिमा के खास मौके पर। आपको बता दें कि सेठानी घाट होशंगाबाद में कई जगह से लोग आते हैं, प्रदेश के अलावा दूसरी जगह से भी लोग आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि इतनी शीत लहर के चलते हुए भी वे 5 बजे से आकर स्नान कर चुके हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट होता है कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए। आपको बता दें कई बार गहरे पानी में जाने के चलते अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन पूरे इंतजाम करता है, होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं। श्रद्धालु इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण करते हैं, सत्यनारायण कथा की जाती है, कथा के साथ साथ वस्त्र दान अन्य दान आदि करके मानवता से पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ यहाँ पूरे प्रदेश के लोग स्नान करने आते हैं इस विशेष मौके पर। छिंदवाड़ा से आए हैं, किस मन्नत को लेकर? हम लोग अपनी मन्नत हम आते ही हैं यहाँ पर, मन्नत माता बिना मांगे माता पूर्ण कर देती है। कितने सालों से आ रहे हैं? हम तो बहुत दिनों से आ रहे हैं, अब हम 10-12 साल पहले से आ रहे हैं, साल में एक दो बार आते ही हैं। क्या कुछ माँ से मांगा जाता है? माँ से मांगना नहीं पड़ता, माँ तो खुद अपने आप देती है। महीना की माघी स्नान होता है माघ में, तो उसका विशेष महत्व रहता है माघ पूर्णिमा का, स्नान का दान का। और आज रामदेव बाबा के निशान भी चढ़ता है, उनका मेला है और सलगमपुर का मेला माता जी का। सुबह से लगभग कितनी पूजन कर चुके और कितने लोग श्रद्धालु यहाँ नर्मदा दर्शन के लिए आ चुके? सुबह से भैया 5 बजे रास्ते में मतलब आने लगे लोग, बहुत स्नान किए और बढ़िया सब दान पुण्य पूजन चल रहे हैं। दान की यदि बात करें तो क्या आज विशेष दान किया जाना चाहिए? दान में अन्नदान विशेष है, उसके अलावा वस्त्र दान है,